मैंने मना किया, मुझे बताइए ना कब कब ये समस्या खत्म होगी। मैंने कहा एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, ये सवाल सच्चे हैं, इनमें किसी तरह की कोई खोट नहीं है, कोई गलत नहीं है। सच में जनता गुस्से में है। जब आपके परिवार का आदमी दम घुटता हुआ आपके सामने नजर आ रहा होता है तो फिर कोई वोट, कोई सरकार नहीं दिखाई देती है। सबसे पहले तो डॉक्टर कौशल जी को और सभी डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूं। और आपने रूबिका जी कहा था कि देश के फेफड़े ऑक्सीजन मांग रहे हैं, तो चाहे देश के फेफड़े हो और चाहे हमारी इच्छा शक्ति हो, हम कोविड को परास्त करेंगे। डॉक्टर साहब, कोई कमी अगर रह जाएगी तो सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन हर भारतीय नागरिक की जान बचाएंगे। रूबिका जी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बात की जा रही थी। गौरव भाटिया, कब बचाएंगे आपने? अब मुझे ये बताइए कब बचाएंगे? मैं आपकी, अच्छा आप चाहती है मैं बात करके उत्तर दूं? आपने दो, जब हम सब मर जाएंगे। सुनिए प्लीज रूबिका जी, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने दो पैनलिस्ट बिठाए हैं जो बीजेपी की केंद्र सरकार पे सवाल उठाते हैं। मैं 15 सेकंड बोलता हूँ, आप बीच में बोलने लगती है। मैंने कुछ बातें लिखी है, मेरी पूरी बात सुनिए। अगर आप उसके बाद कोई सवाल हो जरूर पूछिए। क्यों ऐसा है कि 15 सेकंड में आप सोचती है कि एक प्रवक्ता पूरी बात रख देगा? इंतजार कर सकती है ना, मैं भी तो सुन रहा था, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब जो आंकड़े मैं दूंगा, जो प्रश्न नहीं, नहीं 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 मैं नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी गौरव भाटिया, आप मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैंने आपको पूरा मौका दिया, बात करने का मौका दिया। जब आपके रूबिका जी, मैं फिर आपसे नहीं नहीं प्लीज मैं आपसे नहीं नहीं क्या क्या सम्मान आपको जब जवाब नहीं देते बनता है तो आप कहते हैं मेरा जवाब उसको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। कोई बात नहीं। और दोनों आप मुझे ये बताइए, रवि श्रीवास्तव ने ऐसी कौन सी बात कह दी? सुप्रिया श्रीनेत ने आज कौन सी बात कह दी? अरे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने मना किया, आप बीच में। आपको वोट चाहिए, आपको वोट मिलता है, आपको जनता का भरोसा चाहिए, आपको जनता का भरोसा मिलता है, और उसके बाद आप ये बोलते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा टाइम दे दो, मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल ना पूछे जाए। अरे क्यों ना पूछे जाए आपसे सवाल? मुझे बताइए ना, मैंने पहला सवाल पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा बताइए मुझे एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद, तीन हफ्ते बाद, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मुझे बताइए ना कब कब ये समस्या खत्म होगी? हम कर जाएंगे, हम दिखा देंगे, हो जाएगा। अरे क्यों अब तक नहीं हो रहा है? साल भर हो गया है गौरव भाटिया। डॉक्टर साहब को मेरा समय सर बताइए ना, शो में मेरे पास वक्त है, बीच में टोकेंगी तो और ना ही कोविड की समस्या से लड़ने का हमारे पास वक्त है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया और आप मुझे जवाब दीजिए। आप कोई, आप सुनिए, दर्शक को आपको देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दर्शक को सवाल का जवाब जानने में इंटरेस्ट है कि बताइए समस्या का हल क्यों नहीं मिल रहा है, बताइए सिलेंडर क्यों नसीब नहीं हो रहा है, बताइए शमशान में क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, बताइए जवाब दीजिए। आप तो बताऊंगा, एक मिनट चुप रहूंगा, चुप हो जाएंगे। मैं दो मिनट चुप रहूंगी सर, मुझे इसका जवाब दीजिए। दो मिनट चलिए, अब दो मिनट चुप रहिएगा। ये सब तो जा रही है, कोविड टाइम से जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको 5 गुना बढ़ाया गया है, 5 गुना। आप जानती है बात, दूसरी बात, जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी है सारी की सारी 110% पे काम कर रही है। सभी प्रदेशों को ऑक्सीजन मिले यह हम सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने आज भी धन्यवाद दिया है केंद्र सरकार को। और आप मुझे बताइए, केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ रही हैं। ये 4 दिन पहले का अरविंद केजरीवाल जी का अपना वक्तव्य है, सुनिए क्या कह रहे बेड और ऑक्सीजन के लिए। 10 सेकंड का क्लिप है। मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। एक ये सुनिए, आज की डेट में हमारे पास सफिशियंट ऑक्सीजन है, सफिशियंट ऑक्सीजन है। देश के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन, वी आर गुड ऑन ऑक्सीजन, 4 दिन पहले कह रहे हैं, उसके बावजूद हमने कैपेसिटी बढ़ाई। दूसरी बात, अब मेरा प्रश्न हो जाए आप पूछिएगा, आप रूबिका जी उनके बारे में क्या कहेंगे जो बर्बादी कर रहे हैं ऑक्सीजन की? क्या ये क्रिमिनल वेस्टेज नहीं है? हमने नहीं देखा नासिक पुणे में क्या हुआ? पहला प्रश्न।
दूसरा जो झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है जो 0.4% है, और उस चैनल ने उसने डिलीट कर दी वो न्यूज, और ट्वीट किसने किया था, प्रियंका वाड्रा गांधी ने। जिम्मेदारी का परिचय विपक्ष को देना पड़ेगा। ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, आज ये सवाल नहीं पूछेंगे, हमने बताया हमने क्या किया। ओके ये चिल्लाने लगे नहीं, क्यों नहीं पूछूंगी सर, क्यों नहीं पूछूंगी देश के, सुनिए मैं, सुनिए गौरव भाटिया एक बात बताते हैं, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया श्रीवास्तव जी एक सेकंड रुकिए, गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए, हाँ ठीक है गौरव भाटिया मेरी बात सुनिए, ना मैं आपके लिए काम करती हूँ, ना मैं सुप्रेश नेत के लिए नौकरी करती हूँ, मैं देशवासियों के लिए काम करता हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के, हाँ हाँ बिल्कुल, आप अपनी पार्टी के लिए काम कीजिए और जनता के लिए काम कीजिए, ठीक है गौरव भाटिया, नहीं सुनिए, अब आप कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, हाँ अच्छा बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा, अब मेरी बात सुनिए आप, मैंने मैंने इस बात को बहुत, नहीं नहीं मैं बताती हूँ आपको, अगर कॉन्क्लेव किया था तो फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री क्यों आए, क्यों आए उस राज्य के मुख्यमंत्री, ना आते क्यों आए उस राज्य के मुख्यमंत्री, बताइए ना मुझे क्यों आए उन्होंने, फिर आप मुझे ये बताइए उन्होंने क्या मतलब आप क्यों गए, अरे तो फिर आप ये कहेंगे कि महाकुंभ में क्यों गए स्नान करने के लिए, सरकार ने जब उनको बुलाया आमंत्रित किया तो वो गए, हम वहां पर गए नहीं, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब क्यों गई, नहीं नहीं मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं बता रही हूँ, अगर राज्य के मुख्यमंत्री मना कर देते, अगर राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि नहीं यहाँ पर ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है, जब वो जिम्मेदारी ली गई तो हम जाएंगे, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी के मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी हमारी है, वाह 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 गौरव भाटिया, वो पब्लिक के शो, नहीं नहीं देश ने आपका भी उत्तर सुन लिया है, आप सुनिए, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ उस मंच पर आए थे, हमने कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया था, आपको कोई अंदाजा नहीं है, मुझे नहीं पता आप वहाँ पर मौजूद थे या नहीं थे, और मुख्यमंत्री खुद इस बात को लेकर प्रसन्न थे कि वहाँ पर इस तरीके से बहुत शानदार पूरा शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज, अरे तो मैं बता रही हूँ आपको कोविड प्रोटोकॉल के तहत, कोविड प्रोटोकॉल के तहत, गौरव भाटिया आप रैली करें बगैर दो गज की दूरी के रैली करें, हाँ आप जा जाकर रोड शो करें बगैर मास्क के रोड शो करें, और हम कोविड प्रोटोकॉल के चलते पूरा एक इवेंट करें, वो छोटा सा इवेंट करें, मैं आपके लिए काम सच में नहीं करती हूँ और ना आप मेरे लिए काम करते, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, क्यों नहीं बिठाऊंगी उन दोनों के, उन दोनों, वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हिंदुस्तान के, नहीं क्यों, वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए गौरव भाटिया, अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखिए, जिम्मेदारी से, और इस वक्त देश आपसे सवाल कर रहा है, उस सवाल का जवाब देना सीखिए, उत्तर सुनने की हिम्मत आप में होनी, मैंने सवाल पूछा और बहुत ईमानदारी से सवाल पूछा और बहुत 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 ईमानदारी से उत्तर सुन भी रही थी, आपके जहन में और आपके दिल में ये जो कड़वाहट बसी हुई थी ना, उस जवाब को भी आप सुन लीजिए, उस जवाब को भी सुन लीजिए, एक बार नहीं 100 बार बताऊंगी आपको, मैंने भी कह दिया है, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी, 100 बार कहूंगी मैं, मुझे मत बताइए, मेरी हिम्मत में मत जाइए, आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए गौरव भाटिया हिम्मत का, देश यहाँ त्राहिमाम कर रहा है, देश जितनी मोहब्बत आपको दी है किसी को नहीं दी है, और आज आपको सवाल के जवाब नहीं देने हैं, मैंने आपसे सवाल, और आपको लगता है ये वक्त है बैठ के आप राजनीति करेंगे, सचदेवा साहब प्लीज आखिरी बार मैं आपसे ये जान लेना चाहती हूँ, कौन कौन गड़बड़ी में, अरे सर प्लीज मैं शुरू से कह रही हूं कि मुझे राजनीतिक सवाल नहीं पूछने, सच्चाई ये है कि इस टाइम कंट्री में हमारा सारा सिस्टम फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कलैप्स हो चुका है, जो लोग हम बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे थे, हम लिक्विड ऑक्सीजन बाहर से ला के ऑल ओवर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते से जब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है और इंटरवीन करने के बाद हमारे को एलोकेशंस की हैं स्टेटों को, ना तो वो मटेरियल मिल रहा है और ना ही हमारे को जितनी रिक्वायर्ड एलोकेशन है वो ना कंपनियां देने को तैयार हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे कंपनियों के साथ,
उन्होंने बोल दिया अब आप सरकार की बात सुनो, आप सरकार के तौर पे चल रहे हो, आप कमेटी की एलोकेशन पे कह रहे हो, आप उनसे मांगो माल। ना तो हमको उनसे माल मिल रहा है और हमारे यहाँ पे पंजाब स्टेट में जो हमारे को 120 टन रोज माल आता था, 100 टन की एलोकेशन हुई हुई है, हमारे को 30-40 टन माल मिल रहा है एलोकेशन के बावजूद। इवन कल हेल्थ मिनिस्टर ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंडिया के हमारे को 96 मेट्रिक टन पंजाब को एलोकेट किया, उसमें से हमारे को 25 टन एलोकेट हुआ है। लेकिन 25 टन में आज जिसने 15 टन देना था उसने हमारे को बोला कुछ नहीं है, आज आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन है, हमारे को तो ये लगता है कि जो 13 महीने इतनी मेहनत करके कोरोना बढ़ गई है, मैम बढ़ गई है, और ये 13 महीने की सारी हमारी मेहनत जो है और हमारा और जो परेशानी बढ़ गई, ठीक है, हमने जो इतनी एक लोगों को प्रोटेक्ट किया वो डाउन दी लाइन और ज्यादा कोलैप्स होने के आ गई है। और मेरे को ये लग रहा है कि भगवान ना करे अगले 2-4 दिन में हमारे को बहुत बुरी खबरें हिंदुस्तान में बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी ऑफ ऑक्सीजन सुनने को मिलेगी। नहीं सर, इतनी बुरी मिसमैनेजमेंट नहीं सर, ऐसा ऐसा ना हो, हम ये उम्मीद करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकारों को इस वक्त ये चीजें समझ में आ रही होगी, ग्राउंड जीरो की समझ जो है वो उन तक सच्चाई के साथ पहुंच रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहती हूँ कि सबको इतना वक्त नहीं दे पाई। सुप्रिया श्रीनेत, रवि श्रीवास्तव, गौरव भाटिया और सचदेवा साहब। ABP News, आपको रखे आगे।